प्रिय छात्र, हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जो परीक्षा में बार बार आने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो यह प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको जरूर बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए इसको जरूर पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं, लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कास ए माइनस साइन ए प्लस वन बटे कास ए प्लस साइन ए माइनस वन इजक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो आपको यही सिद्ध करना है। तो इसको आप कैसे सिद्ध कीजिए, कैसे इसको सिद्ध करेंगे, तो इसका हल चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका हल हम शुरू करते हैं। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड, जिसे वाम पक्ष कहते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड कास ए माइनस साइन ए प्लस वन बटे कास ए प्लस साइन ए माइनस वन है, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के अब इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें आपको करना है कि साइन ए से इसमें आप भाग दे देंगे। तो इसमें आप साइन ए से अंश तथा हर में भाग देंगे। सबसे पहला काम आपको यही है, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमें करना क्या है, नहीं तो ये प्रश्न लंबा हो जाएगा और आपको हल करने में दिक्कत होगी, इसलिए आपको इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो आप साइन ए से अंश तथा हर में भाग देंगे। तो आप जब भाग देंगे तो आप भाग इस तरह से दे लेंगे, तो भाग ऐसे देंगे, देखिए हो जाएगा कास ए माइनस साइन ए प्लस वन भागे लिख दिए कि साइन ए और फिर कास ए प्लस साइन ए माइनस वन भागे लिख दिए साइन ए। अब साइन ए से भाग देंगे, तो जब साइन ए से भाग देंगे तो आपका इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा ये कास ए बटा साइन ए हो जाएगा माइनस साइन ए बटा साइन ए हो जाएगा, ये हो गया वन बटे साइन ए, प्लस में हो गया वन बटे साइन ए, ये हो गया प्लस वन अपान साइन ए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये हो गया कास ए बटा, ये सब कास ए बटा साइन ए हो गया। यहाँ पर साइन ए का साइन ए का साइन ए और साइन ए है, तो साइन ए से कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से कैंसिल कर देंगे और उसी तरह से नीचे भी देख लें। नीचे देख रहे हैं, नीचे है कास ए बटा साइन ए और यहाँ देखिए साइन ए बटा साइन ए है, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, इस तरह से आ गया कास ए बटा साइन ए, कास ए बटा साइन ए बराबर होता है काटे, तो इसको हमने काटे लिख दिया। और देखिए यहाँ कास ए बटा साइन ए, ये भी हो जाएगा काटे, इसको भी काटे लिख दिया गया। साइन से साइन जब कट गया तो यहाँ पर एक बचा, तो यहाँ पर एक लिख दिया। इसके बाद देखिए वन अपान साइन ए, तो वन अपान साइन ए को लिख दिया गया, ये हो गया कोशेक ए। इसी तरह नीचे भी हो गया काट ए प्लस वन माइनस कोशेक ए। अब इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे काट ए प्लस कोशेक ए माइनस वन, नीचे हो जाएगा कोट ए माइनस कोशेक ए प्लस वन। इस तरह हम इसको लिख लेंगे, काट ए और प्लस कोशेक को एक साथ लिख दिए हैं और काट ए माइनस कोशेक को एक साथ लिख दिए, प्लस वन और माइनस वन एक तरफ कर दिए हैं, बस इतना किए हैं। इसमें जानते हैं कि कोशेक स्क्वायर ए, कोशेक स्क्वायर ए बराबर होता है कोट स्क्वायर ए प्लस वन, या इसको आप कह सकते हैं वन प्लस काट स्क्वायर ए कह सकते हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वन प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आप तो इस तरह से आप इसको पक्षांतर करके लिख दें तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट ए काट स्क्वायर ए, ये बराबर होता है एक के। अब जहाँ पर आप एक लिखा गया है तो इस एक के स्थान पर हम लिख देंगे कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। आपको ध्यान देना है कि केवल इसी एक पर लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है,
आप यहाँ पर लिख देंगे कि माइनस कोसेक स्क्वायर है माइनस काट स्क्वायर है, जहाँ पर एक लिखा है। तो इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे से कोसेक ए प्लस काट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा काट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, इतना लिख देंगे। अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको वर्गांतर का फार्मूला कहते हैं। इसको वर्ग, चूँकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम वर्गांतर वाले फार्मूले से इसको वर्गांतर का फार्मूला कहा जाता है, इससे हम इसको लिख लेंगे। तो लिखा गया है कास स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए, ये लिखा गया है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए को हम लिख देंगे एक बार इस रूप में। तो इस रूप में जब लिखेंगे तो हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए हो जाएगा, और जब इस रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए। तो इस तरह से हम इसको आगे लिख लेंगे। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं कोसेक ए प्लस कोट ए, और देखिए यहाँ पर माइनस एक, यहाँ पर देखिए अब इसको हमने लिख दिया कि कोसेक ए माइनस कोट ए, और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कोट ए, इस तरह से लिख दिया। इसके बाद नीचे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन लिख दिए। इसके बाद आगे आपको क्या करना है, कोसेक ए प्लस काट ए एक ब्रैकेट में दूसरे में कोसेक ए माइनस काट ए, और कोसेक ए प्लस काट ए लिखने के बाद अब देखिए इसमें हमें कॉमन ले लेना है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कोसेक ए प्लस काट ए लिखा गया है, और देखिए कोसेक ए प्लस काट ए यहाँ पर भी है, और यहाँ भी देखिए कोसेक ए प्लस काट ए यहाँ पर भी है। तो कोसेक ए प्लस काट ए को हम कॉमन ले लेंगे। इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर वन हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर देखिए इतना बचेगा। तो आप लिख देंगे तो देखिए यहाँ पर अब आप आ गए इसको, और नीचे और इसके बटे में देखिए लिख देंगे काटे माइनस कोसेक ए प्लस वन हो गया। इसके बाद आगे स्टेप में आप क्या करेंगे, कोसेक ए प्लस काटे आपने इसको कॉमन ले लिया, जब यहाँ पर कॉमन ले तो आपको बचा यहाँ पर एक, और यहाँ पर देखिए माइनस कोष्टक में बच गया कोसेक ए माइनस कोटे, तो कोसेक ए माइनस कोट ए को आपको अब यहाँ से इस ब्रैकेट को हटा देंगे, और बटे में देखिए लिख देंगे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। इसके बाद कोसेक ए प्लस काट ए, और यहाँ देखिए हो गया वन माइनस को, यहाँ पर देखिए जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो देखिए माइनस कोसेक माइनस हो जाएगा और प्लस काट हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया वन माइनस कोसेक ए प्लस काट ए, और नीचे हो गया काट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। कोसेक ए प्लस काट ए एक कोष्टक में हो गया, और दूसरे कोष्टक में देखिए हो गया काट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, और नीचे हो गया काट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं आप जैसे काट ए माइनस कोसेक ए और प्लस वन इसको समायोजित कर दिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा इसको इस तरह लिख देंगे तो आपको समझने में थोड़ा आराम रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पर यह इससे कट जाएगा, देखिए इससे कट गया, अब ऊपर केवल बचा कितना, अब केवल ऊपर बचा कोसेक ए प्लस काट ए, कोसेक ए प्लस काट ए यही हमें सिद्ध करना था। तो हमें कोसेक ए प्लस काट ए यही सिद्ध करना था। अब आप लिख देंगे नीचे कि एल एच एस बराबर आर एच एस इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। इस तरह आप इसको लिख करके बस आपका प्रश्न हो गया, आपका सलूशन हो गया, आप इसको हल कर लिए। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, हमें कमेंट करना मत भूलना, और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।